अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने मुंबई में ड्रूज जैसे इनिशिएटिव को सपोर्ट किया। आपको बता दें कि ये पेट्स का ध्यान रखता है और पूजा ने एक साल का खाना भी डोनेट किया है जिससे पेट्स की लाइफ अच्छी हो सकती है। आर अड्डा जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जगह है जुहू में, और इसका एक धमाकेदार लॉन्च किया गया जहां पर नजर आए बॉलीवुड के कई सितारे। आई थिंक आई हैव कम हियर बिफोर एज वेल, मतलब मैं पहले भी आई हूँ जब आर अड्डा यू नो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, एंड हमने यहाँ पे बहुत पार्टी की है, बहुत धमाल की है, एंड बीच में जगह थोड़ी ऑफ सी हो गई थी बिकॉज बॉम्बे में बहुत सारी नई जगह खुल गई थी, एंड नाउ इट्स रीवैम्पिंग, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई रियली वांट टू विश एवरीवन ऑल द टीम ऑफ रिच बॉयज एंड आर अड्डा ऑल द वेरी बेस्ट। हर किसी को पता है कि एक अभिनेता की जिंदगी में मेकअप का कितना अहम किरदार होता है, और हर रोज हैवी मेकअप की वजह से ना सिर्फ स्किन पर बल्कि आंखों पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसके लिए उनका चेकअप करवाना जरूरी है। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि ये बात कह रही है अभिनेत्री हिना खान। The most essential and the important one, as I say that there are a lot of hashtags going on everywhere or on social media, and a lot of challenges, but this is not anything to, you know, where you have to shake your leg or dance or maybe sing. This is something really, really serious, and this is about your eye health, and I think, as I said, that this hashtag should run across the country and everybody should really, really make it popular, and they should spread awareness about this hashtag, which is hashtag AccuView One Day Challenge, and we all should definitely go and get our eyes tested in the nearest AccuView store. They have like 75 stores across the country. All you have to do is you have to go and get your eyes tested, which is for free. This one day challenge we all should take. This is a great cause, great initiative. That is why I'm here, and I have taken this challenge too, and I urge all of you guys, whoever is present here, that you all should do. साल 2020 की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मौका नए साल का है तो कैलेंडर का लॉन्च करना तो बनता है। फोटोग्राफर अमित खन्ना ने लॉन्च किया एक कैलेंडर। जी, सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलमोस्ट अगस्त में लिखा था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं फेरी टेल्स के साथ कुछ करूँ, क्योंकि एज अ चाइल्ड आई मीन आई हैव ऑलवेज रेड फेरी टेल्स, आई ऑलवेज रेड स्टोरीज विच हैव इंस्पायर्ड मी, पर मुझे लगा कि आजकल जो हो रहा है उसको लेके हमें ये फेरी टेल्स में एक ट्विस्ट लाना चाहिए। इसको यू नो कीपिंग दैट इन माइंड आई थॉट कि मैं एक फैशन कैलेंडर इस साल अपना फेरी टेल्स के ऊपर करूँगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज उसका लॉन्च है।